नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। एक बार फिर से भागलपुर बम धमाके से दहल उठा है। गुरुवार की देर रात हुए इस बम धमाके में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और 10 लोग इस वक्त घायल अवस्था में शहर के मायागंज अस्पताल में भर्ती हैं। बम धमाके की खबर इतनी आग की तरह फैल गई कि अब सरकार भी इस पर निगहबानी करनी शुरू कर चुकी है। गुरुवार रात हुए इस बम धमाके ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। धमाके की गूंज तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इस धमाके में इतना असर था कि आसपास के 4 घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बम धमाके में 14 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 10 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं शहर के मायागंज अस्पताल में। खबर के मुताबिक माने तो इस घर में, शहर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीवली चक के इस घर में फैक्ट्री थी जहां पर बम बनाए जाते थे, लेकिन इस फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर बम बनाए जाते थे कि धमाके ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब सरकार इसे दूसरे एंगल से भी देख रही है और कहा जा रहा है कि इस बम धमाके के पीछे आतंकी संगठनों के भी हाथ हो सकते हैं, जिसके लिए अब जांच की जिम्मेदारी पटना से एटीएस की टीम को दे दी गई है। एटीएस की टीम पटना से शुक्रवार को बीडीडीएस की टीम के साथ भागलपुर के लिए रवाना हो चुकी है और इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। इस मामले में थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि सुधांशु कुमार के थाना क्षेत्र अंतर्गत इस घर में जो बम धमाके हुए हैं, जहां बम का कारोबार चल रहा था वो बिना लाइसेंस के चल रहा था, ऐसे में लापरवाही बरतने पर सुधांशु कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस अब इसे कड़े रुख से देख रही है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बम धमाके पर अपनी संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने भी शोक प्रकट करते हुए जाँच के आदेश दिए। डीजीपी और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले की जानकारी ली और जांच के आदेश दे दिए। एक झलक देखिए उन धमाकों के बाद की तस्वीरें किस तरह से भागलपुर दहल उठा है। यहाँ पे रेगुलर रूप से पटाखे बनाने और बेचने की शिकायत आसपास के लोगों ने बताई है पुलिस को, तो इसमें स्थानीय थाना को तो समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरह का पटाखे का अवैध निर्माण करना रिहायशी इलाके में और वहाँ इसकी बिक्री होना, इसमें थाना ने समय पर कार्रवाई नहीं की है, जिसमें SHO की लापरवाही पाई गई है और उनको निलंबित किया गया है और इसके बाद अनुसंधान के क्रम में अन्य लोगों की भी जाँच की जाएगी। सर, अब तक कितनी मौत हो चुकी है? जैसे कि अभी बताया है कि 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सर, 2018 में जैसी घटना हो चुकी है, उसके बाद इस तरह से शहर के बीचों बीच इस तरह अवैध पटाखा का निर्माण हो रहा था, तो पुलिस को भनक नहीं लगी? सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसी कारण से जो यहाँ के SHO हैं उनको निलंबित किया गया है, तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। सर, CID पर भी सर सवाल उठ रहा है कि आखिर CID क्या कर रही है, उनको क्यों नहीं भनक लग पाई? ये तो इतना ऐसा मामला था जो थाना पुलिस की सूचना रखनी चाहिए थी, क्योंकि जो समय समय पर फेस्टिवल होते हैं तब भी हम लोग निर्देश देते हैं, अलर्ट करते हैं, तो इसमें थाना की लापरवाही पाई गई है। इसके बाद और आगे जांच बढ़ेगी तो फिर कहा जाएगा। FSL की टीम जांच कर रही है? FSL की टीम भी आई थी और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आया था और ATS से भी बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, वो भी आके अपनी जांच करेंगे, क्योंकि अभी तक जो जांच में सामने आया, जो मटेरियल मिला है, जो पूछताछ में बातें सामने आई थी, यही आया है कि यहाँ पर पटाखा का निर्माण हो रहा था और शायद पटाखा बनाते टाइम ही रात में कोई दुर्घटना हुई जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। बाकी जो एक्सपर्ट लोगों की टीमें आई हैं वो अपनी जांच करके रिपोर्ट देंगी। कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है सर? अनुसंधान के लिए कुछ SIT टीम का गठन किया गया है SDPO शहर शहरी क्षेत्र के नेतृत्व में,
इसमें कई एसएचओ को भी रखा गया और जांच की जा रही है। सर, जिले के अंदर किसी और थाना क्षेत्र में इस तरह का घटना नहीं हो या फिर कहीं अवैध पटाखा का निर्माण नहीं, इसलिए पुलिस क्या कर रही है? चलाया जा रहा है, उसका आदेश बंदों को दिया जा चुका है और इसमें डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम के साथ में विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए एक रोटेशन बना दिया गया है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ एरिया में इस तरह की जाँच की जाएगी। जो शांति समिति के लोग हैं, जो पुलिस मित्र हैं, आम लोग हैं, उनसे भी मदद ली जाएगी कि कहीं भी ऐसा जो अबंडेंट एरिया है, कोई बिल्डिंग है, झाड़ी है, कूड़े का ढेर है, एक बार शरारती तत्व अपने घर में से निकाल के वो हम वहाँ फेंक देते हैं जिससे कोई घटना हो जाती है, इसके लिए भी पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट साहब हैं, उनसे बात हो रही है, लोगों ने देखा भी है, तो बेहतर इलाज मिले जो भी घायल हैं उनको। और घटना के बारे में आपको पता ही है, कल रात से हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को ब्रीफ किया था, अभी जांच चल रही है और उसका जो फलाफल होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास एक बड़े बम धमाके की आवाज़ हम लोग को, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हम लोगों को जब बम धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ पर पहुँचे और 5 से 7 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ स्थिति थी वो देखने योग्य नहीं थी, मतलब कई माताओं का, कई बहनों का, छोटे बच्चों के शव को छिद विछिद हम लोगों ने देखा, मतलब किसी का हाथ अलग, किसी का पांव अलग, इस अवस्था में देखा है ये अपने आप में। और जिस तरीके से 4-4 मकान मतलब ढेर हो गए हैं और इसका मलबा 0.5 किलोमीटर दूर तक छितरा हुआ, ये अपने आप में बताता है कि बारूद की मात्रा कितनी थी। और प्रशासन को इसकी जानकारी आज से नहीं है, ये घटना इस जगह पर आज पहली बार नहीं घटी है, पहले भी यहाँ घटना घटी है। प्रशासन को वैसे लोग जो इतनी भारी मात्रा में बारूद रखकर इस तरीके का खेल करने का काम कर रहे थे, अपने जान को तो जोखिम में डाला ही, और साथ साथ अगल बगल पड़ोसियों को भी आज जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रशासन की लापरवाही कारण। मैं यही चाहता हूं कि अभी प्रशासन चेते, और अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके का बारूद का ढेर जो है वो जमा है और लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो और वो काम तुरंत बंद हो, प्रशासन तुरंत वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करें, हमें प्रशासन से गुजारिश करते हैं। हमने सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय एवं एसएसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इस पूरी घटना की जांच एनआईए या किसी भी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, और जिस प्रकार से रात के सन्नाटे को चीरती हुई घटना, लोगों को दहशत में दिलाने वाली ये घटना घटित हुई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इस पूरी घटना की जाँच कराई जाए। साथ ही साथ जो इसमें जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी एवं 50 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को सहायता राशि मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये सब लोग अभी रोड पर आ चुके हैं, ये सभी लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं उनके सारे मकान जमींदोज हो चुके हैं, वो लोग ऐसे भी मजदूरी करके अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, कोई बिल्कुल किन्हीं के पास कोई धन की भी अधिकता नहीं थी, सामान्य रूप से जीवन जीने वाले लोग थे। तो ऐसे जब निष्पक्ष रूप से जांच भी सरकार प्रशासन करे, और हमने दोनों ही पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि जो सहायता राशि की तत्काल यथाशीघ्र उसका भुगतान किया जाए, ताकि ये लोग अपने कम से कम इनको खाने के लाले ना पड़ सके। हम रात में कलकत्ता से आए, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए, और मिलाती थी मेरे घर में 30-35 साल से आती थी।